जय हिंद मेरे प्यारे कैडेट्स, आप लोगों के लिए मैं लेके आया हूँ एक ऐसा वीडियो जिसमें मैं आप लोगों को बताऊंगा कि सैनिक स्कूल में क्या क्या ले जाना पड़ता है और सैनिक स्कूल में क्या क्या आपको मिलता है, कौन कौन सी क्लोथिंग्स मिलती है, कौन कौन से शूज मिलते हैं, कॉपी किताब मिलता है या नहीं मिलता है, पॉकेट मनी मिलती है या नहीं मिलती है, सब मैं बताने वाला हूँ इस वीडियो में। तो वीडियो को अंत तक देखना और चैनल को प्लीज सब्सक्राइब कर लो, नोटिफिकेशन ऑन कर लो सारा, ताकि जब भी मैं नए वीडियोस डालूं सैनिक स्कूल के अंदर की बातें आपको पता चल सके, क्योंकि मैं खुद सैनिक स्कूल में पढ़ा हुआ हूं तो मुझे क्या क्या होता है सब पता है अंदर में। ठीक है, जो चीजें आपको शायद दूसरे चैनल्स पे ना मिले वो यहां पर मिलेगा। वीडियो को लाइक कर दो और ये वीडियो अंत तक देखते हैं, चलो शुरू करते हैं। देखो हमें मिलते हैं बहुत वैरायटी की चीज, तो मैं लाइन बाय लाइन जाता हूँ। मॉर्निंग में हम पीटी करने जाते हैं फिजिकल ट्रेनिंग, तो उसके लिए हमें स्पोर्ट्स शूज मिलता है, व्हाइट सॉक्स मिलता है, हमें स्पोर्ट्स की ड्रेस मिलती है, हमें ब्लैक शूज मिलते हैं, ब्लैक सॉक्स मिलते हैं स्कूल जाने के लिए, खाकी ड्रेस मिलता है पूरा। खाकी ड्रेस में आपको नेम प्लेट मिलता है, आपको लेनियार्ड मिलता है जैसे पुलिस वाले लगाते हैं, फॉर्मेशन साइन मिलता है, इस तरीके से पूरी की पूरी खाकी ड्रेस मिलती है। उसी में आपको जेब में रखने के लिए हैंकरचीफ मिलता है, हैंकी मतलब रुमाल मिलता है। उसके बाद आपको सर पे लगाने के लिए बैरेट मिलता है, जो कैडेट्स जो टोपी लगाते हैं आर्मी वाले, वो टोपी मिलती है आपको। कितना प्राउड वाला चीज है, सोचो ऐसी ऐसी चीजें आपको मिल रही हैं। फिर स्कूल में पढ़ाई करने के लिए आपको बुक्स मिलती हैं एनसीईआरटी की, जो कि सीबीएसई वाले प्रेफर करते हैं एनसीईआरटी की बुक, वो मिलती हैं आपको। कवर मिलता है बुक में चढ़ाने के लिए, आपको नोटबुक्स मिलती हैं सैनिक स्कूल की ही नोटबुक्स, जिसमें फ्रंट में लिखा भी रहता है सैनिक स्कूल और आपका नाम वाम लिखने के लिए जगह दिया रहता है। और आपको स्टिकर्स वगैरह भी मिलते हैं नेम प्लेट जब आप कवर चढ़ाओगे बुक पे, तो उसके लिए। उसके बाद फिर स्कूल के बाद आप जब हॉस्टल भी आते हो तो हॉस्टल में फिर आप स्पोर्ट्स खेलने जब जाते हो तो सेम क्लोथिंग पहनना पड़ता है जो आपको मैंने पीटी के टाइम पे बताया था, और वो सारा सैनिक स्कूल वाले ही प्रोवाइड कराते हैं, आपकी फीस में एक्स्ट्रा फीस कुछ नहीं लेते हैं। उसके बाद फिर शाम की क्लोथिंग भी वही आपको देते हैं, शाम को जो 6 से लेकर 8 तक का जो प्रिपरेशन टाइम होता है सेल्फ स्टडी के लिए जब आप स्कूल वापस से जाते हैं, उसके लिए भी जो क्लोथिंग होती है व्हाइट शर्ट और नीचे मैरून कलर का जो पैंट होता है वो सारा अवेलेबल कराते हैं सैनिक स्कूल वाले। आपको सोने टाइम के लिए नाइट ड्रेस मिलता है, आपको रूम में बेड सीट मिलती है, बेड पे लगाने के लिए मैट्रेस मिलता है जिसपे आप सोते हो, पिल्लो मिलता है, पिल्लो के साथ पिल्लो कवर मिलता है, और कुछ कुछ सैनिक स्कूल्स में मॉस्किटो नेट भी अवेलेबल कराते हैं स्कूल वाले ही। और जनरली ज्यादातर स्कूल्स में आपको एक पेटी दी जाती है पूरे 7 साल के लिए, वो पेटी आपका वो सामान रखने का खजाने का वो रहता है, लाइक सारा सामान आप उसमें रख सकते हो। हालांकि आप अपने घर से भी बैग लेके आओगे, वो चीजें बताऊंगा मैं कि घर से क्या क्या लेके जाना है, पर पहले भी सैनिक स्कूल से क्या क्या मिलता है वो बता रहा था मैं। तो आपको पेटी मिलती है, आपको पॉकेट मनी मिलता है, अलग अलग स्कूल में अलग अलग रूल्स हैं, कहीं कहीं पर 150 रुपीज मिलता है, कहीं कहीं पर 200 या 300 रुपीज भी मिलता है पर मंथ। ये पैसे आपके टोटली आपके हाथ में आते हैं और वो आपके इच्छा पे है, आप खर्चा करना चाहते हो या बचा के रखना चाहते हो, दैट इज टोटली योर चॉइस। इसके बाद से हम आते हैं कि नहाने के लिए आपको क्या क्या चीज दिया जाता है। नहाने के लिए आपको बकेट अवेलेबल कराया जाता है, आपको मग अवेलेबल कराया जाता है, और स्टार्टिंग में कई कुछ कुछ सैनिक स्कूल्स में, हर सैनिक स्कूल की बात नहीं है पर कुछ कुछ सैनिक स्कूल्स में स्टार्टिंग एडमिशन टाइम आपको सोप वगैरह भी अवेलेबल कराया जाता है, ऑल दो बाद में आपको फिर अपना ही साबुन खरीदना रहता है, अपने ही टूथपेस्ट टूथब्रश ये सब अपने से खरीदना पड़ता है, ये स्कूल वाले अलॉट नहीं कराते हैं। इस तरीके से अल्टीमेटली मुझे जहां तक जितनी चीजें याद आ रही हैं जो मुझे मिली थी सैनिक स्कूल में मैंने आपको बता दिया है। अगर बाई चांस वीडियो के बीच में कुछ और एक्स्ट्रा याद आ जाए कि ये भी मिलता था वो मैं आपको बता दूंगा, बट हालांकि आगे बढ़ते हैं और अब देखते हैं कि हमें क्या क्या घर से लेकर जाना होता है। तो सैनिक स्कूल आप जा रहे हो तो आपको सबसे पहला इंपॉर्टेंट चीज होता है अंडरगारमेंट्स आपको वहां नहीं मिलते हैं, अंडरगारमेंट्स आपको खुद खरीद के ले जाने हैं अपने लिए। टूथपेस्ट टूथब्रश और सोप्स वगैरह आपको खुद ले जाना है, शैम्पू वगैरह आपको, फेस वॉश वगैरह, ये सारी की सारी कॉस्मेटिक्स के सामान आपको खुद लेके जाने हैं। हाँ, सैनिक स्कूल में एक और चीज मिलता है जो मैं बताना भूल गया था, शूज, ब्लैक शूज के साथ आपको चेरी पॉलिश या कीवी का ब्लैक कलर का पॉलिश और ब्रश भी मिलता है, जिसको यूज करके डेली आपको अपना ब्लैक शू चमकाना रहता है, ताकि अगले दिन आप बड़े एक ऑफिसर की तरह खड़े हो सकें, ऐसा ना हो कि आपके जूतों में धूल लगी हुई है, क्योंकि आपको बहुत कूटा जाएगा अगर आपके जूते गंदे हैं तो सैनिक स्कूल में, तो उसके लिए चेरी पॉलिश वगैरह सब स्कूल वाले प्रोवाइड करते हैं, ताकि आप साफ करके रखो अपने कपड़े वगैरह, कपड़े कह रहा हूँ जूते वगैरह। ठीक है, फिर अब वापस से आते हैं कि हमें क्या क्या लेके जाना है, आपको टूथपेस्ट वगैरह सब बता दिया मैंने, अंडरगारमेंट बता दिया, आप अंडरगारमेंट ले जाओगे साथ में, स्लीपर्स जो होते हैं स्लीपर्स स्कूल वाले ही प्रोवाइड करते हैं, शूज भी स्कूल वाले प्रोवाइड करते हैं, तो वो सब ले जाने की बिल्कुल भी जरूरत नहीं है।
नेक्स्ट आपको ले जाने की जरूरत है सिविलियन क्लोथ, सिविल ड्रेस, यानी कि जो आप घर पे पहनते हैं, जीन्स, लोवर, टी शर्ट, ये सब चीजें। अब ये सब कब पहनने के लिए काम आएगा? सैनिक स्कूल में मंडे से लेकर सैटरडे तक आप सारे के सारे वही ड्रेस पहनते हैं जो स्कूल वालों ने अवेलेबल कराया है। संडे को आपको और आपके बर्थडे के दिन आपको सिविल ड्रेस पहनने का मौका दिया जाता है। सिविल ड्रेस मतलब जो घर में आप पहनते हो, तो संडे वगैरह को आप जीन्स पहन सकते हो, आप अपना घर का जो शूज मिला, चमकीले जो शूज होते हैं या कुछ फैंसी से जो ड्रेसेस होते हैं आप वो पहन सकते हो। ये सब पहनने के बाद आप लाइक घर में हूं टाइप का फील कर सकते हो संडे के लिए, लेकिन स्पेशली, ठीक है। फिर उसके बाद आपको एक्स्ट्रा नोटबुक्स की अगर जरूरत पड़ती है तो आपके पास दो ऑप्शन रहता है। एक तो ऑलरेडी आपको सैनिक स्कूल से मिले थे नोटबुक्स, अगर वो खत्म हो गए हैं तो आप स्कूल में ही डिमांड कर सकते हैं, पर उसके लिए आपको एक्स्ट्रा फीस आपके कॉशन मनी से वो कट हो जाएगा और नेक्स्ट ईयर की फीस में ऐड हो जाएगा। या फिर आप खुद से बाहर से आप बुक्स मंगवा सकते हैं, पेन, पेंसिल, ये सब चीजें आपको खुद से मंगवानी है, ये स्कूल प्रोवाइड नहीं करेगा आपको। इनिशियली कुछ स्कूल्स में स्टार्टिंग में प्रोवाइड किया जाता है, बट आगे चल के अब एक पेन पूरे साल भर तो चलेगा नहीं, तो फिर से आपको वो खरीदना पड़ेगा। तो अल्टीमेटली देखा जाए तो सैनिक स्कूल में मिलती चीजें ज्यादा है, खरीदना कम पड़ता है। मिलने से मेरे को एक और चीज याद आ गया कि ये जो मैंने आपको बताया था क्या क्या मिलता है, वो तो गर्मी के मौसम का बताया, ठंडी के मौसम की बातें कर लेते हैं। ठंडी के मौसम में आपको सैनिक स्कूल से क्या मिलेगा? आपको ट्रैक सूट मिलेगा, ट्रैक सूट में आप ट्रैक पैंट और आपका जो जैकेट है वो भी मिलेगा, साथ में आपको ब्लेजर मिलेगा, जैसा ये मैंने पहन रखा है ये जो कोट, इस टाइप का कोट आपको मिलेगा। वहां पर सैनिक स्कूल का लोगो रहता है ताकि वो अलग से रिप्रेजेंट हो कि आप सैनिक स्कूल में पढ़ते हैं। जितने भी आपको ड्रेसेस मिलते हैं स्पोर्ट्स ड्रेस वगैरह, उनमें पीछे साइड में सैनिक स्कूल और आप जिस स्कूल के हैं उसका नाम लिखा रहता है। फॉर एग्जाम्पल, मैं सैनिक स्कूल अंबिकापुर से था तो मेरे पीछे लिखा हुआ था सैनिक स्कूल अंबिकापुर, तो वो एक थोड़ा ऐसा शो ऑफ वाला चीज है कि आप घर गए तो आपने वो टी शर्ट पहना और आप सबको दिखा रहे हो ऐसे लाइक कि देखो मैं सैनिक स्कूल में पढ़ता हूँ, आई एम अ टैलेंटेड बच्चा, ठीक है। तो वो चीजें होती हैं। और ठंडी में फिर आपको जैकेट तो मिलता है, बट एक्स्ट्रा सॉक्स, ग्लव्स और वुलन कैप, ये सब चीजें आपको घर से लेके जानी है। इनर वगैरह, पैजामा वगैरह, ये सब भी आपको ठंडी में घर से लेके जानी है, आपको स्कूल अवेलेबल नहीं कराएगा। तो देखा जाए तो जितनी भी प्रोफेशनल ऑफिशियल चीजें हैं वो सारी चीजें सैनिक स्कूल में अवेलेबल हैं, और जो भी कैजुअल चीजें हैं वो आपको खुद घर से लेकर जानी है। मुझे जहां तक जितनी चीजें याद थी मैंने आपको बता दिया कि क्या क्या लेके जाना है, क्या क्या नहीं लेके जाना है। अगर आपको कोई डाउट आता है कि सर ये चीज मिलेगी कि नहीं, ये चीज लेके जाना है कि नहीं, आप कमेंट पे मुझसे पूछ सकते हैं, आई विल रिप्लाई टू यू, और मैं आपको बताऊंगा कि क्या क्या वो चीजें ले जा सकते हैं, नहीं ले जा सकते, जो मेरे से छूट गई अभी इस वीडियो में। तो तब तक के लिए मिलते हैं, वीडियो को लाइक कर दो और चैनल को सब्सक्राइब कर दो, और प्लीज जो लिंक डिस्क्रिप्शन में दिया है उसमें से ऐप डाउनलोड करो। फौजी बैच लॉन्च हो चुका है, डिटेल्स आपको मिल जाएंगे, और डिस्क्रिप्शन में लिंक भी है उस वीडियो का जिसमें फौजी बैच के बारे में डिटेल्स हैं। ऐप में जाओ, वो बैच ज्वाइन करो ताकि नेक्स्ट ईयर आपका सिलेक्शन डेफिनेटली सैनिक स्कूल में हो, क्योंकि हम आपसे लाइव भी जुड़ेंगे और रिकॉर्डेड लेक्चर्स भी देंगे, आपका ऑनलाइन टेस्ट भी लेंगे। तब तक के लिए मिलते हैं, धन्यवाद, जय हिंद।